जहां रूसी मिलिट्री पर आग बबूला वैगनर चीफ को लेकर ये बड़ी खबर है कि और वीडियो जारी कर येवगेनी ने जिस तरीके से खरी खोटी सुनाई है वो सुनिए, क्योंकि रूसी डिफेंस मिनिस्टर शोइगु को भी अब वो भला बुरा कहते हुए नजर आए हैं और वैगनर लड़ाकों की लाशें दिखाते हुए ये वीडियो जारी किया गया। हथियारों की कमी के लिए रूसी आर्मी चीफ पर बिफर रहे हैं। विशंबर सर, अब ये ग्रहण किसने लगा रखा है? आखिर जेलेंस्की की ये हालत है, जिस वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन की हम पिछले एक साल से बात करते आए हैं, आग में घी डालने का काम आखिर यहाँ कर कौन रहा है? देखिए, मैं एक छोटी सी आपको बताऊं, अब तक ज्योतिष बोल रहे थे लड़ाई के बारे में। मेरा मानना ये है कि जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता होगा। अगर गर्मी में इंसान जो है बौखला जाता है, और अगर बहुत ठंड में आपकी हड्डियाँ सिकुड़ जाती हैं, और थोड़ा सा बारिश का मौसम होते ही आपका मूड चेंज हो जाता है, तो ये प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं ऑर्बिट में, किस तरह से इनके बदलाव से ज़रूर कुछ न कुछ असर पड़ता होगा। लेकिन लड़ाई जो है वो मैं समझता हूँ, लड़ाई वॉर के प्रिंसिपल से लड़ी जाती है। आपके पास क्या सरप्राइज़ की अपॉर्चुनिटी है, क्या आपने ट्रूप्स कंसनट्रेट किए हैं, क्या आप रिसोर्सेज मोबिलाइज कर पाए हैं, क्या आपके पास दुश्मन से भारी वो है, इंटेलिजेंस है, ये प्रिंसिपल्स पे है, ना कि किसी के। और देखिए, एक इंडिविजुअल पुटिन डिसीजन नहीं लेता है, एक इंडिविजुअल जेनेंस की शंभूजी, आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो भी तो व्यक्ति पे डिपेंड करता है ना, ये सब कर्म का प्रभाव है, योग के अनुसार से कर्म के प्रभाव बदलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, बहुत सारे हमने ऐसी स्थिति देखी है, मैं तो कह रहा हूँ, खुद की युद्ध की बात करें, सामने इतनी बड़ी फोर्स थी, पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कर्म पॉजिटिव थे, उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि हम ज्योतिष को ये नहीं कह रहे युद्ध लड़ रहा है, लेकिन ज्योतिष योग बना रहा है, मनोमस्तिष्क में परिवर्तन लाने का योग देता है। आज आवश्यकता थी कि भारत सरकार उस पर रिसर्च करे। देखिए, मैं तो आपकी 1947 के बाद अगर सरकारों ने व्यवस्था करी होती, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ज्योतिष को स्थान दिया होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, बात सुनिए, अरे मैं तो आपकी, अगर वो मैं तो कह रहा था कि भाई अगर सुतों का डाटा लेके आया हूँ, ज्योतिषों को स्थान देते तो ज्योतिष बहुत था, तो स्थान है, मैं तो कह रहा हूँ। देखिए, देखिए, जिस प्रकार से हमारे शास्त्र में पता है, पहले से, आज से नहीं, करोड़ों वर्ष पहले से पता है कि मंगल का रंग लाल था। आज नासा या भारत देश या कोई भी देश जाकर वहां पर ये पता कर रहा है, करोड़ों रुपया खर्च करके, हजारों करोड़ खर्च करके ये पता कर रहा है, हाँ जी, मंगल का रंग लाल है। तो विक्रमादित्य जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अगर ज्योतिष को थोड़ा सा भी महत्व विज्ञान के एंटीना रख के, अगर उसका सहयोगी रख के, अगर ज्योतिष को थोड़ा सा भी महत्व दिया जाए तो कुछ प्रेडिक्शन आते हैं। अभी मैं बताती हूँ, आप ही साइंटिस्ट सज्जन में से एक, युद्ध एक्सपर्ट सज्जन में से एक कोई कह रहे थे कि युद्ध की जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, जो अंदरूनी बातें हैं उसमें जून जुलाई तक युद्ध का लास्ट है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस अक्टूबर तक तो युद्ध की कोई यहां खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये मैं आपके टीवी के नहीं, देखिए बड़ी बात क्या है, आप ये कह रही है ग्रहण का असर पड़ता है वॉर पर, लेकिन हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। एक मिनट दीपा जी, दीपा जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सर, सर आपने अपनी राय से वाकिफ करा दिया, मेरी बात रहती है, चलिए पूरी कर लीजिए, आप पूरी कर लीजिए, मेरे बीच में बोलने लग गए। मैंने तो कहा था अगर आदमी का मूड बादल बदलने से बदल जाता है तो ग्रहों का इनका असर तो जरूर पड़ता होगा, लेकिन लड़ाई में अब ये बहन कह रही है कि भाई लड़ाई जो है वो अक्टूबर तक खत्म नहीं होगी, बिकॉज बैटल इंडिकेशन नहीं है। रशिया कल कैसे लड़ाई बंद कर दे? अगर रशिया के लड़ाई बंद करने से क्या रशिया की सैंक्शन उठ जाएंगी? क्या यूक्रेन लड़ाई बंद करना शुरू कर देगा? ये बैटल इंडिकेटर्स है कि लड़ाई जल्दी नहीं खत्म होने वाली। लेकिन विशंबर त्यास साहब, क्या मैं ये मानूं कि आप ये कह रहे हैं कि ग्रहण का असर वॉर पर पड़ता है और पड़ेगा? मुझे नहीं पता, नहीं, आपने अभी कहा ना, अभी आपने कहा, अभी आपने कहा, मुझे पड़ता होगा कहीं कहीं, ठीक है, ठीक है, देखिए अभी जो आपने कहा ना, बोलिए अरविंद जी, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जो आपने अभी कहा कि ग्रहण का असर क्या पड़ता है, तो ग्रहण का असर 100% पड़ रहा है, जेलेंस्की की कुंडली के आधार पे भी देख लें, ग्रहण के भी आधार पे देख लें कि जेलेंस्की की जो कुंडली है वृष लग्न है, कर्क उसकी राशि है, और इस टाइम पे जो चंद्रमा है वो मन का कारक है। जेलेंस्की पूरी तरह से टूट चुका है, खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी वो लड़ने के लिए पीछे हट नहीं रहा है। तो ये जो ग्रहण है ये 100% प्रभाव कर रहा है, ज्योतिष के आधार पे दिया समझें तो कहते हैं कि वेदस्य से निर्मलम चक्षु, ज्योतिष आप ही की दो ब्रेकिंग न्यूज़, ज्योतिष जो है वेद की चक्षु है, और ये 100% आपको बताती है। जापान में भूकंप, ठीक है, ठीक है, दो ब्रेकिंग न्यूज़ ने दीपा जी, एक मिनट, पवन जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्या?
जी मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि ये युद्ध कोई आज से नहीं चल रहा है, एक साल से इंटेंसिफाई हुआ है, लेकिन फरवरी 2014 से लगातार ये युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध का कारण जेलेंस्की नहीं है, इस युद्ध का कारण है यूएसए, अमेरिका। तो आप देखिएगा कि आने वाले कुछ समय के अंदर अमेरिका का ये चेहरा जो खूनी चेहरा है ये पूरी दुनिया पर सामने आएगा। और ये मैं आज यहाँ पर बैठ के बता रहा हूँ आपको कि अमेरिका इस युद्ध का पोषक है, और जब तक अमेरिका का भारी नुकसान नहीं होगा। पवन जी, वो तो बात समझ में आती है कि अमेरिका इस जंग के पीछे है, अमेरिका यूक्रेन के साथ है, लेकिन ग्रहण कैसे लिंक होता है इस वॉर से?